नया मोटर वाहन एक्ट लागू हुआ है तब से लोग अपने वाहनों के प्रति जागरूक हो गए हैं और वो चलने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं ताकि भारी भरकम चालान से बचा जा सके। लेकिन क्या यह नियम गरीब तबके या आम आदमी के लिए बना है? नेताओं पर इसका कोई असर नहीं है? जी हाँ, आज ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है। यहाँ पर एक सफेद वर्दी वाला खाकी वर्दी पर रोब झाड़ता है। दरअसल मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के डिग्री कॉलेज चौराहे के पास का है। यहाँ पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान जब एक बीजेपी नेता बाइक से आ रहे थे और उनके पास हेलमेट नहीं था। जैसे ही पुलिसकर्मियों ने उनको रोका तो पहले बातचीत हुई, फिर बीजेपी नेता वहां से निकलने पर किसी बात को लेकर बीजेपी नेता और दरोगा जी पर बिफर पड़े। फिर क्या था, देखते ही देखते बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदेव पाल समेत अन्य बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लग गया और फिर शुरू हुई बीजेपी नेताओं व पुलिस में तू-तू मैं-मैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता अली हैदर नकवी किसी काम से सूर्या होटल से डिग्री कॉलेज चौराहे होते हुए जा रहे थे, तभी डिग्री कॉलेज चौराहे पर वाहन चेकिंग चल रही थी। नेताजी की बाइक में कमल का फूल था पर सर पर हेलमेट नहीं था, जिस पर दरोगा गोपाल मणि मिश्रा ने उन्हें रोक लिया। पर जब नेताजी ने अपना परिचय दिया तो दरोगा गोपाल मणि मिश्रा ने उन्हें जाने दिया। इसी बीच किसी बात को लेकर नेता नाराज हो गए, फिर क्या था, उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को मौके पर बुला लिया। जिला अध्यक्ष समेत अन्य नेता मौके पर पहुंच गए और विवाद बढ़ गया, जिस पर बीजेपी नेता अली हैदर नकवी ने अपनी बाइक वहीं पर छोड़कर एसपी आवास पहुंच गए। बीजेपी नेता ने दरोगा पर अभद्रता का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में एक वीडियो जरूर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी नेताओं और पुलिस में बहस हो रही है, पर बीजेपी नेताओं ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दरोगा पर आरोपी की बौछार ही कर डाली। आप भी सुनिए बीजेपी नेता की जवानी। भैया अपना नाम और परिचय बताएं। मैं अली हैदर नकवी भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं। क्या घटना हुई थी आज? मैं सूर्या होटल में आयोजित एक देश एक संविधान पर एक गोष्ठी थी धारा 370 समाप्त होने की, उसमें मैं गया हुआ था। वहां से मैं वापसी हो रही थी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जा रहे थे और रास्ते में डिग्री कॉलेज चौराहे पर चेकिंग लगी थी। चेकिंग में हमारे सारे कागज़ कम्प्लीट थे, हम वहाँ पर पुलिस द्वारा रोके जाने पर मैं रुक गया, तो हेलमेट नहीं था मेरा। हेलमेट ना होने पर मैंने उनको बताया कि मेरी गाड़ी में एक कमी आ गई थी जिस वजह से हम उसको मैकेनिक को लेके जा रहे थे, तो पुलिस को जब अवगत कराया उससे तो बोले कि आपकी सरकार द्वारा मुझे टारगेट दिया गया है, वो टारगेट को पूरा करना है, तो जब आप ही लोग तो वहाँ पे नोकझोंक वाली प्रक्रिया कैसे आ गई? वहाँ पे उन्होंने कहा, मैं जब पर्चे दिया तो बोले आपके जिलाध्यक्ष या एसपी महोदय भी आपको नहीं बचा पाएंगे क्योंकि हमें एसपी महोदय ही टारगेट देते हैं, वो टारगेट को मुझे पूरा करना है, उसके लिए टारगेट को पूरा करना है, इसलिए हमें कोई कार्यकर्ता और पर्चे की हमें ज़रूरत नहीं ना, हमें टारगेट पूरा करके पैसा पहुँचाना रहे। तो नोकझोंक हुई थी वहाँ पर, किस लिए नोकझोंक हुई थी? नोकझोंक जिलाध्यक्ष के पहुँचने पर, जिलाध्यक्ष से भी बोले कि जब आप ही की सरकार द्वारा मुझे टारगेट दिया जाता है और फिर आप आ रहे हैं और बता रहे हैं छोड़ दो, तो मैं किसी कार्यकर्ता को छोड़ नहीं पाऊँगा। तो क्या हुआ फिर वहाँ पे आगे? उसके बाद एसपी महोदय के पास आए, एसपी महोदय ने कहा वो एक बार पहले भी निलंबित हो चुके थे और उस पर मैं उचित कार्रवाई करूँगा, मेरे द्वारा ऐसी कोई भी नहीं। एक वीडियो वायरल हो रहा है वहीं घटना स्थल का जिसपे अभद्रता कुछ की जा रही है सबके द्वारा। किसके द्वारा? वहीं पे लोगों के द्वारा। किन लोगों के द्वारा? वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनके द्वारा। वहाँ पे पक्ष और विपक्ष आम जनता भी इकट्ठा हो गई थी, आम जनता भी कह रही थी कि ये पुलिस वाला जो है गोपाल मणि मिश्रा जी नाम है, ये बताएं सभी लोगों को परेशान करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, गाड़ी रोक करके किसी ना किसी, लाइट में बल्ब खराब है तो उस पर भी चालान काटते हैं, हेलमेट अगर उतार के पकड़े हुए हैं कहीं किनारे खड़ा है, नई गाड़ी निकाल के नंबर प्लेट नहीं भी मिली है वो घर तक पहुँचा रहा है, तो ऐसी गाड़ियों को भी पकड़ करके उनको पैसा चाहिए, पैसे को कोटा पूरा करना है, इसलिए वो सबको मेंटली टॉर्चर करते हैं। इस पूरे मामले में बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष रामदेव पाल की अगुवाई में पहुंचा और पुलिस अधीक्षक स्वप्निल मंगवाई से घटना को लेकर शिकायत की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने वायरल वीडियो को देखने के बाद सीओ सिटी गोपीनाथ सोनी को जांच के आदेश दिए हैं और कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। अब सुनिए एसपी ने क्या कहा। सर, अभी कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा और बीजेपी नेताओं में नोकझोंक हुई है, क्या है पूरा मामला, किस लिए नोकझोंक हुई थी, क्या कारण है? जी देखिए, अभी अभी हमारे पास एक जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में कुछ कार्यकर्ता आए थे हमसे मिलने और उन्होंने एक शिकायत की है, थाना कोतवाली में एक नियुक्त हैं दरोगा जी सब इंस्पेक्टर, उनकी कि उनके द्वारा अभी कुछ ही देर पहले डिग्री कॉलेज चौराहा है वहाँ पर चेकिंग के दौरान एक उन्हीं के एक
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद